नमस्कार साथियों, शिक्षा यश इंस्टीट्यूट की ओर से मैं वेद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आपके सामने कंप्यूटर एमसीक्यू की श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं। पहला प्रश्न है, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पहला है प्रोजेक्टर, दूसरा है टच पैड, तीसरा है सीडी रोम, चौथा है पेन ड्राइव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को अधिकतर जो है, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह करना है, कोई मीटिंग करना है, कोई भी गेट टुगेदर करना है, तो इसके लिए जो है ज़्यादा लोग अगर शामिल होते हैं तो इसी प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर के मॉनिटर को खाली स्थान भी कहा जाता है। पहला है वीडियो, दूसरा है डीवीडी, तीसरा है सीसीटीवी, चौथा है डीवीयू। तो इसका आंसर होगा वीडियू। ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर को दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इन दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए फुल फॉर्म ये होगा तो इसको लगाना है वीडियो का, या ये होगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो मॉनिटर को ही वीडियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मॉनिटर में जो डिस्प्ले होता है उसको कंसोल कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? कंसोल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीपीयू में सीमोस चिप का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो देखिए मदरबोर्ड में एक, ठीक है, बैटरी लगी रहती है, जैसे घड़ी में बैटरी रहती है छोटी सी, वैसा ही मदरबोर्ड में भी एक बैटरी लगी रहती है जिसे कहते हैं सीमोस। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। इसी सीमोस बैटरी के नीचे में सीमोस चिप लगा रहता है, और यही सीमोस चिप, याद रखिएगा दोस्तों, डेट और टाइम से संबंधित डेटा को और बूटिंग प्रायोरिटी से संबंधित डेटा को स्टोर करके रखता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 256 बाइट की होती है। ठीक है, और 6 वोल्ट का ये लिथियम बैटरी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, पहला है स्पीकर, स्पीकर तो गाना सुनने के लिए होता है, आपको पता होगा ये आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन दोस्तों ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ये पेन की तरह ही होता है, और पेन के द्वारा जो भी आप, जो स्क्रीन है उसमें जो भी आप चित्र बनाना चाहें, कोई टेक्स्ट लिखना चाहें, कोई ग्राफ बनाना चाहें, वो सब संभव इसी लाइट पेन के द्वारा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो बैंकिंग में देखिए दोस्तों चेक का प्रयोग किया जाता है, और चेक आप देखे होंगे, चेक में नीचे की ओर मैग्नेटिक इंक में लिखा गया कुछ कुछ करेक्टर होता है, जो E13B ये फॉन्ट का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये बैंकिंग चेक में इसी फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है बैंकिंग चेक में कुल 14 करेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, कुल जो है 14 करेक्टर का प्रयोग किया जाता है, और ये जो है इसी को कहते हैं क्या, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक में लिखे गए करेक्टर को रीड करने के लिए, ठीक है, MICR, ठीक है, इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो चेक होता है उसी को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसीलिए बैंकों में एक क्लियरिंग हाउस होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर जितने भी बैंक हैं वो क्लियर होते हैं कहाँ से आए हैं, कितना अमाउंट है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो MICR इसी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अगला, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि खाली स्थान कहलाती है। पहला है आपका पिक्सेल, दूसरा है डॉट मैप, तीसरा है डॉट पिच,
चौथा है डॉटेड, ठीक है। तो बिंदुओं का जो विन्यास है इसे कहते हैं क्या दोस्तों, पिक्सल। क्या कहते हैं? पिक्सल। जो मॉनिटर में छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन में यहाँ भी दिख रहा होगा, ये बहुत छोटे छोटे महीन बिंदुओं से मिलकर बना होता है और उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पिक्सल कहा जाता है। इसी पिक्सल से बना है दोस्तों मेगापिक्सल, जो कैमरे की क्वालिटी को बताता है। और मान लीजिए प्रश्न आएगा कि पिक्सल का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा ये भी आता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पिक्चर एलिमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न में और बहुत सारे प्रश्न आपको बनाने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, इन चीज़ों को याद में रखिएगा। और प्रश्न आ सकते हैं। पहला अगला है, एक खाली स्थान एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं व चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो मैंने बताया था, ठीक है, ये कौन सा है आपका, लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग रेखा लाइन खींचने में या कोई इमेज चित्र फिगर वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, WYSIWYG का पूरा नाम क्या है, ये भी आ चुका है प्रश्न, व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए व्यापम में ये सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और प्रश्न में अलग अलग कलेक्शन होता है, कभी इजी प्रश्न होता है, कभी मॉडरेट टेबल का होता है, कभी टफ होता है। तो एकदम आपको टफ प्रश्नों को नहीं बनाना है, ऐसे में आपका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक। सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज, ठीक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक। इस प्रकार के चीज़ों को कहते हैं एक्रोनिम्स। क्या कहते हैं? एक्रोनिम्स, जो शॉर्टकट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो नहीं है अंडरलाइन कर लेना। तो देखिए मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है, मॉनिटर को ही विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल यूनिट कहते, दोनों कट जाएगा, ठीक है। अगला है वीडियो सिस्टम, चौथा है, तीसरा है आपका प्लॉटर, ठीक है। तो प्लॉटर हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, याद रखिए दोस्तों। और याद रखिएगा प्लॉटर ही सर्वोत्तम क्वालिटी की आउटपुट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आएगा प्रश्न कि सर्वोत्तम क्वालिटी की आउटपुट प्रोवाइड कौन सा डिवाइस करता है, कहेंगे तो प्लॉटर करता है। और प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है, कहेंगे तो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कई प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक प्रश्न ये हो गया, कई प्रश्न आपके यहाँ पर एक प्रश्न में निहित हैं, तो बन जाएंगे। अगला है, खाली स्थान एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है, सिर्फ रेखा खींचने के लिए नहीं है, रेखा खींचने के लिए किसका प्रयोग करती है, पेन का प्रयोग करती है। तो पहला है डेजी व्हील प्रिंटर, गलत। दूसरा है ड्रम प्रिंटर, गलत। तीसरा है प्लॉटर, चौथा है चेन प्रिंटर। तो आंसर होगा दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा होता है ड्रम पेन प्लॉटर, ठीक है। दोनों में पेन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्लैट बेड में क्या होता है, बेड की तरह, ठीक है, प्लेन रहेगा, उसमें जो है आपका पेन घूमेगा। ड्रम प्लेन प्लॉटर में, ठीक है, पेन स्थिर रहता है, ड्रम घूमता है और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति वगैरह बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी, प्लॉटर। चलिए अगला प्रश्न, खाली स्थान एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो पहली बात तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ों का वीडियो ऑलरेडी जो है हमारे यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, एक शॉर्ट्स भी मैं प्रिंटर में बनाया हूँ, एक मेमोरी में बनाया हूँ, तो जिनको भी ये समझ नहीं आता है वहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से वहाँ पर बताया गया है। और इस प्रकार के वीडियो अगर आपको देखते रहना है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इम्पैक्ट कहने का मतलब जहाँ पर, ठीक है, प्रिंट हेड, रिबन, ठीक है, इनके बीच क्या होता है, फिजिकल संपर्क होता है, उसे कहते हैं क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिसमें किसी केमिकल के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा या किसी लेजर के द्वारा, ठीक है, प्रिंट प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो कुल मिलाकर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछा है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, ये सब क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट आउट लेजर के माध्यम से किया जाता है, किसी प्रकार का फिजिकल संपर्क नहीं होता, तो ये एक प्रकार का क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। पहला है मॉनिटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, ये हार्ड कॉपी है, प्लॉटर हार्ड कॉपी है, लेजर हार्ड कॉपी है। मॉनिटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। और देखिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या अंतर होता है, तो सॉफ्ट कॉपी में हम एक पेज को एक समय में एक ही पेज को देख सकते हैं, हार्ड कॉपी में एक बार में हम कई पेज को देख सकते हैं, जैसे प्रिंट आउट है, जैसे पेपर होता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में हम एक समय में एक ही क्वेश्चन को देख पाते हैं, जबकि जब ऑफलाइन होता है तो सारे क्वेश्चन को हम इधर उधर करके आसानी से सभी क्वेश्चन को देख पाते हैं, ये अंतर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला है डॉट पिच, दूसरा है रिजोल्यूशन, तीसरा है एस्पेक्ट रेशियो, चौथा है साइज, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो मतलब होता है जैसे आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है उसमें जो है ये आपका ऊर्ध्वाधर और ये जो है क्षैतिज दोनों का, तो कहीं किसी किसी में लिखा रहा था देखिए 16:9, किसी में 4:3, यही क्या है दोस्तों, एस्पेक्ट रेशियो है, जो ऊर्ध्व लंबाई और क्षैतिज लंबाई के संबंध को बताता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, नहीं है फिर कहा है, ठीक है। तो वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है, ठीक, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है कहेंगे तो प्लॉटर, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो वाइट स्क्रीन में देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक, प्रोजेक्टर में, ठीक है, आप वाइट बोर्ड में कर सकते हैं, सफ़ेद दीवार में कर सकते हैं, सफ़ेद पर्दे में कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्टर होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। पहला आपका कंप्यूटर स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन कहने का मतलब, ठीक है, जो माइक होता है वो, ठीक है, तो ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। बाकी प्लॉटर या मॉनिटर ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आंसर होगा बी, माइक्रोफोन। अगला, इनमें से कौन सा फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होता है। तो देखिए कंप्यूटर के माउस से संबंधित, देखिए प्रिंटिंग वाला ये माउस, प्रिंट आउट वाला, मेमोरी भी नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है आपका, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब जिसमें आप कर्सर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और स्क्रीन पर कोई भी फाइल है, कोई भी आइकन है, उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो किसके द्वारा हो सकता है कहेंगे तो माउस के द्वारा। तो इसीलिए माउस को, टच पैड को, लाइट पेन को, जॉयस्टिक को क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। पहला टोनर, दूसरा कार्टेज, तीसरा स्पूलर, चौथा है फ्लैट पैनल, ठीक है। तो यहाँ पर पैनल कहा गया है, ये मॉनिटर से संबंधित है, बाकी तीनों क्या है आपका, प्रिंटर से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन खाली स्थान से होता है,
पहला पिक्सल की संख्या, दूसरा प्रति इंच डॉट की संख्या, चौथा इसकी चमक, चौथा इसके ppm। ठीक है, तो प्रति इंच जो है ये जो डॉट्स की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। चलिए, रिजोल्यूशन क्या होता है, ये जो है आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, इसी को रिजोल्यूशन कहते हैं। और रिजोल्यूशन इसीलिए 1024 इस प्रकार से लिखा रहता है। तो ये जो है वर्टिकल और ये क्या है हॉरिजॉन्टल पिक्सल की संख्या, और इन्हीं दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, जिस डिस्प्ले यूनिट का जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अगला। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला है PS2 पोर्ट, ये तो ठीक है माउस कीबोर्ड के लिए रहता है। लैन पोर्ट नेटवर्क केबल के लिए रहता है। HDMI पोर्ट घरों में जो आपका सेटअप बॉक्स लगा होगा, ठीक है, वो सेटअप बॉक्स से एक वायर ठीक है निकले हुए रहता है और वो जाकर अटैच होता है किसमें, आपके टीवी में, और जिस पोर्ट में रहता है अटैच होता है उसे कहते हैं HDMI। ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, तो इसके द्वारा ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल आपके मॉनिटर में या आपके टीवी में दिखाई देते हैं, इसे वो कहते हैं HDMI पोर्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए CPU दो भागों में बटा हो, तीन भागों में मान चलिए, पहला है CU, दूसरा है ALU और तीसरा है MU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और MU मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक है, मेमोरी यूनिट है आपका माउस, ये जो है आंसर होगा, माउस जो है CPU का भाग नहीं है, ये एक्सटर्नल है। ठीक, अगला, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, मतलब तो किसे हार्डवेयर नहीं कहेंगे। तो हार्डवेयर जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक, उन सब को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। तो माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, DBMS हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे कहते हैं DBMS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर जॉयस्टिक खाली स्थान है, ठीक है, पहला एक इनपुट डिवाइस, दूसरा एक प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा है एक आउटपुट डिवाइस, चौथा एक मेमोरी डिवाइस। तो कंप्यूटर जॉयस्टिक जो कार के गियर के समान होता है, जो खासकर कंप्यूटर गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और साथ ही साथ ये किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो ये पॉइंटिंग टाइप का इनपुट डिवाइस, तो इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। देखिए कीबोर्ड को ही QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर में आप इन्हीं करेक्टर को पाएंगे, इसके ऊपर जो है न्यूमेरिक की के ऊपर में सबसे टॉप में जो रहता है वो फंक्शन की रहता है, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड रहता है, मास्टर कुंजी नहीं रहता। ठीक है, तो मास्टर कुंजी जो है कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। चलिए अगला। एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, कहने का मतलब यूज़र के द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा में जो आप OMR शीट देखते हैं जिसमें हम ब्लू पेन या ब्लैक पेन से ठीक निशान लगाते हैं, इन्हीं निशानों को, इन्हीं चिन्हों को ठीक है रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। SMPS का पूर्ण रूप बताएं। तो SMPS का पूर्ण रूप है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, और ये जो है एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई में। ठीक है, जो CPU के बैक साइड में सबसे ऊपर में जो लगा रहता है उसी को कहा जाता है पावर सप्लाई, जिसमें फैन भी लगा रहता है जो क्या करता है, ठीक है, AC करंट को DC करंट में बदलता है। ठीक है,
और सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक, तो SMPS का फुल फॉर्म भी याद रखेगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला है CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। तो जितने भी तार्किक काम हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं, ALU के द्वारा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेबकैम। ठीक है, तो प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने, कहने का मतलब स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसमें हम जो भी बात करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में, एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट होकर, ठीक है, ये पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो बताया था ट्रैक बॉल एक, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। डिजिटाइजिंग टैबलेट या डिजिटल टैबलेट या डिजिटाइजर, ये भी इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। खाली स्थान विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा विभिन्न रंग, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, इसमें विभिन्न रंग नहीं होता, सिर्फ एक रंग होता है, जो डिपेंड करता है रिबन में आप कौन से कलर का इंक का प्रयोग किए हैं, एक ही रंग का होता है, जबकि प्लॉटर में कई रंग के हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन खाली स्थान में किया जाता है। ठीक है, प्रति इंच डॉट, प्रति इंच डेटा, प्रति सेकंड डॉट्स, प्रति कैरेक्टर डॉट्स। तो क्या होगा आपका, प्रति इंच डॉट, बताया था रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, प्रति इंच जो डॉट डॉट्स हैं उसी की संख्या को कहते हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। पहला मॉनिटर, दूसरा लेजर प्रिंटर, तीसरा है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, चौथा है प्रोजेक्टर। ठीक है, तो कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर होगा क्या, लेजर प्रिंटर। ठीक, ये सॉफ्ट कॉपी है, ये सॉफ्ट कॉपी है, ये भी क्या है आपका, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है। अगला, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स, तीसरा इंकजेट, चौथा है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है आपके पिंस रहते हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में रहते हैं, और एक फिजिकल टक्कर के द्वारा इससे क्या किया जाता है, आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो पहला डॉट पिच, दूसरा रिजोल्यूशन, तीसरा है आपका एस्पेक्ट रेशियो, चौथा है साइज। तो इसी को क्या कहते हैं, पिक्सल की वह संख्या जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित करता है उसे कहते हैं क्या, रिजोल्यूशन। ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है। अगला है, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्वनि के लिए किसका यूज़ किया जाता है उसमें दोस्तों, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसी साउंड कार्ड से आप स्पीकर माइक को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो साउंड कार्ड के बगैर आपका स्पीकर कोई काम का नहीं है, और स्पीकर के बगैर साउंड कार्ड का कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में, ठीक है, संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी कौन उत्पन्न करेगा, सीधी सी बात, कौन है आपका, प्रिंटर। आंसर क्या होगा, प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला। नेक्स्ट, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस को उपयोग करेगा। तो सिंपल सी बात है, वो किसका प्रयोग करेगा, प्रोजेक्टर का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला है। खाली स्थान एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। ठीक है, तो इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर कौन सा है आपका, डेजी व्हील प्रिंटर। बाकी सब क्या है आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें, ठीक है,
उष्मा के द्वारा, इसमें लेजर के द्वारा और इसमें ठीक इंकजेट में जेट के द्वारा, जेट स्प्रे के द्वारा ठीक है प्रिंट आउट उत्पन्न किया जाता है। ठीक है चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करता है। ठीक है तो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन कौन करेगा दोस्तों, तो सीपीयू के अंदर ही होता है। किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर कौन करता है कहेंगे तो एएलयू करता है। मान लीजिए एएलयू नहीं दिया है तब आप सीपीयू को कर सकते हैं आंसर। ठीक चलिए नेक्स्ट, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है तो कोई भी डायग्राम हो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लॉटर का। ठीक है दोस्तों, रेलवे मैप होगा, बड़ा बड़ा फ्लेक्स होल्डिंग वगैरह जो बनता है ये सब किस में बनता है दोस्तों, प्लॉटर में बनता है। ठीक है चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोगकर्ता या यूज़र के लिए उपयोगी रूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है। ठीक है तो कौन करता है दोस्तों, कौन करेगा, आउटपुट यूनिट। ठीक दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। ठीक है पहला लेजर जेट प्रिंटर, दूसरा टच पेड, तीसरा लाइट पेन, चौथा स्कैनर। तो टच पेड, लाइट पेन, स्कैनर ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेजर जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या जेट स्प्रे प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर ये सब क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है चलिए अगला, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है तो MICR बताया इनपुट डिवाइस है, OMR इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, स्पीकर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों चलिए अगला, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है तो मोशन डेटा को जो भी मूवमेंट है उसको जो है अपने को अगर इनपुट के रूप में करना है तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ट्रैक बॉल का। याद रखें किसका प्रयोग करते हैं, ट्रैक बॉल का। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है और इस ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह ही होता है, इसमें जो बॉल है ये ऊपर की दिशा में होता है और ये स्पेशल जो है कैड कैम जैसे सॉफ्टवेयर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है चलिए अगला, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है। तो कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर ये सब क्या है आपके, हृदय हैं। ये आप कंप्यूटर का क्या है, हृदय है। ठीक है अगला, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है। तो देखिए कंट्रोल और शिफ्ट जो है ये एक, इसको मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है और हालांकि ये प्रश्न विलोपित है क्योंकि इसे एडजस्टमेंट की भी कहते हैं। देखिए कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट समायोजित मतलब एडजस्टमेंट की भी होता है। ठीक है मॉडिफायर की भी होता है। ठीक है और कॉम्बिनेशन की भी होता है, तीनों होता है। ठीक है तो ठीक है, इस आंसर में दो आंसर है देख लीजिएगा। अगला है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ होगा, पिक्सल के अलावा पिक्सल नज़दीक होंगे, उतने ही पिक्सल्स क्या होंगे आपके, नज़दीक होंगे। जितने पिक्सल्स नज़दीक होंगे उतनी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है चलिए अगला, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। मतलब जब भी आप कोई डिवाइस को इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो रीड करेगा, तो कौन सा है वो, प्लग एंड प्ले डिवाइस। क्या कहा जाता है, प्लग एंड प्ले डिवाइस, प्लग करना है और डायरेक्ट उसको एक्सेस करना है। और प्लग एंड प्ले डिवाइस को ही क्या कहा जाता है, पेन ड्राइव है दोस्तों। क्या है ये, पेन ड्राइव। ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्नों का ठीक है एक कलेक्शन था। ठीक है इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो इसी प्रकार की अलग प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।